बेटी क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉली है। डॉली, कौन से गेम में कहां पर आप मेडल लेकर आई हैं? मैं गुजरात नेशनल खेलने गई थी, वहां पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है। इस सफर तक पहुंचने में कितनी मेहनत आपकी रही है? मैं 8-7 साल से बहुत मेहनत कर रही हूँ, जब जाके यहाँ तक पहुंची हूँ। और अब आगे के लक्ष्य की बात करें तो मेहनत के साथ आगे क्या कुछ अचीव आप करना चाहती हैं? मैं अभी बहुत आगे तक जाना चाहती हूँ। मैं अपने स्कूल वालों का, अपने गांव का, अपने माँ बाप का नाम करना चाहती हूँ, यही मेरा लक्ष्य है। हरियाणा सरकार की खेल नीतियों को कैसी लगती हैं आपको? अच्छी लगती तो क्या नाम आपका? अशोक जी। अशोक जी, बेटी खेल में मेडल लेकर आई है, किस तरह से देखते हैं? कितना खुशी का मौका है? बहुत खुशी का हुआ है जी, और हम तो ये चाहें गांव का नाम और अपने प्रांत का, देश का नाम करें, और आगे चल के दिन रात मेहनत करती है और हम पे जो सहयोग है हम तो कर ही रहे हैं। तो इस मुकाम तक पहुंचने में बेटी की कितनी मेहनत लगी है? बेटी की जी दिन रात मेहनत कर रही है, रात को रात ना देख रही, दिन को दिन नहीं देख रही। शहर तक आना जाना बहुत होता है जाने के लिए, रात दिन में जाती है, रात को आती है 7-8 बजे, और हम इंतजार में बैठे बैठे सोचेंगे बेटी का मारे मार के लैस आते हैं। तो आज बेटी मेडल जीत कर लाई है, कितनी खुशी का माहौल है आज? हमें खुशी बहुत ज्यादा है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदेव अत्रिया जी। जगदेव जी, डोली के कोच हैं आप, कितनी मेहनत डोली को इस सफर तक पहुंचने में लगी हुई? डोली को यहाँ तक पहुँचने में 6-7 साल लग गए, और उसका अथक प्रयास रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। उसने 2016 में गेम स्टार्ट किया था, कई बार गोल्ड मेडल आया है उसका स्टेट लेवल में। 2019 में वो नेशनल में पहुंची थी कि पर किसी कारणवश मेडल नहीं आ पाया। उसके बाद 2020 में इसका सिलेक्शन हो गया था नेशनल के लिए, लेकिन गेम नहीं हो पाए। 2021 में फिर इसका सिलेक्शन हो गया था नेशनल के लिए, लेकिन कोरोना के कारण फिर गेम स्थगित हो गए थे। 2022 में इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, 23 में इसका सिलेक्शन हो गया, तो ये गुजरात में अभी गेम चल रहे थे वहाँ पे इसने ब्रॉन्ज मेडल अर्जित किया है। कौन से गेम हैं ये और किस कितनी तारीख को हुए थे? ये सर 9 और 10 तारीख को हुए थे। ये तीरंदाजी के गेम थे, SGFI स्कूल गेम, फेडरेशन ऑफ इंडिया के गेम थे, गुजरात में नाडियाड डिस्ट्रिक्ट में। सर, अगर बात करें हरियाणा सरकार की खेल नीतियों की तो क्या कहेंगे उसके बारे में? बहुत अच्छी नीति है सरकार की, बहुत प्रोत्साहन देती है बच्चों को। तो अब आगे बच्ची का क्या कुछ लक्ष्य आप निर्धारित करके चल रहे हैं? अभी मैंने इसका एशियन गेम्स का लक्ष्य रखा है, वो सरकार से भी गुहार लगाएंगे, कुछ बच्ची को प्रोत्साहित करें।